बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात जेएमएम की करेंगे। नहीं हो पा रहा है जेएमएम के केंद्रीय कमेटी का विस्तार, संगठन और सरकार पर बढ़े दबाव के कारण ये देरी हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों में कमेटी विस्तार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा जेएमएम। पार्टी के दो विधायकों के कड़े तेवर से भी मामला होल्ड पर है। पहले बजट सत्र के बाद कमेटी विस्तार की कही गई थी बात। तो नहीं हो पा रहा जेएमएम केंद्रीय कमेटी का विस्तार, संगठन और सरकार पर बड़े दबाव के कारण ये देरी हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों में कमेटी विस्तार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा जेएमएम। पार्टी के दो विधायकों के कड़े तेवर से मामला होल्ड पर रखा गया। पहले बजट सत्र के बाद कमेटी विस्तार की बात कही जा रही थी। तो जेएमएम के केंद्रीय कमेटी का विस्तार नहीं हो पा रहा है, संगठन और सरकार पर बढ़े दबाव के कारण ये देरी हो रही। वर्तमान परिस्थितियों में कमेटी विस्तार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है जेएमएम। पार्टी के दो विधायकों के कड़े तेवर से भी मामला होल्ड पर डाल दिया गया है। पहले बजट सत्र के बाद कमेटी विस्तार की बात कही गई थी। बताया कि जेएमएम के केंद्रीय कमेटी का विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो खबर यही है कि जेएमएम केंद्रीय कमेटी का विस्तार नहीं हो पा रहा है और कई वजह में इसको लेकर बताया जा रहा था कि बजट सत्र के बाद इस प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा, मगर नहीं हो पाया। विधायक नाराज है, ये भी एक वजह बताई जा रही है कि इसको होल्ड पर डाल दिया गया। क्या कुछ वजह है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राकेश, जिस तरह से जेएमएम केंद्रीय कमेटी का विस्तार नहीं हो रहा है, संगठन और सरकार पर बढ़े दबाव के कारण देरी हो रही है ऐसा बताया जा रहा है, दो विधायक नाराज है इसकी वजह से होल्ड में डाला जा रहा है ये भी बताया जा रहा है, बजट सत्र के बाद का समय दिया गया था, क्या वजह आप देख पा रहे हैं? नहीं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं शारिफ, बिल्कुल वो वजह वाजिब है और उसी वजह को लेकर ये देरी हो रही है। जिस तरीके से मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य झारखंड का बदला है, कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, कई तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो वो एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं इस देरी को लेकर बताई जा रही है और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से ये पहले ज़रूर कहा गया था कि बजट सेशन के तुरंत बाद जो सेंट्रल कमेटी है पार्टी की, उसको विस्तार दे दिया जाएगा, उसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि एक महीना से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, बावजूद इसके इस दिशा में अब तक कोई प्रयास नहीं हो पा रहे हैं पार्टी की तरफ से। पार्टी का इंटरनल जो सांगठनिक जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, आपने भी देखा होगा कि कई विधायक जो हैं वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में उन पर आरोप लगा है, पार्टी के खिलाफ वो लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर में जो चीज़ें हो रही हैं उस वजह से भी इसको होल्ड पर फिलहाल डाल दिया गया है। चाहे आप सीता सोरेन की बात कर ले, लोबिन हेमरम की बात कर ले, तो उनके बगावती तेवर को देखते हुए भी पार्टी ने फिलहाल इसे होल्ड पर रखा है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है, अब ये बातें संगठन के तरफ से कही जा रही है कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती है तब तक पार्टी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी। जहां तक सेंट्रल कमेटी की बात है तो महाधिवेशन दिसंबर में हुआ था शारिफ, और महाधिवेशन के 3 महीने के बाद ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस महाधिवेशन के बाद 3 महीने गुजर जाने के बाद भी नहीं हुआ,
और इस बीच जो राजनीतिक परिस्थिति झारखंड में नई तरीके से उभरी है, कई तरह की चीजें हो रही हैं, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए संगठन के अंदर में जिस तरीके से गतिरोध है, उन तमाम चीजों को, उन पहलुओं को देखते हुए फिलहाल पार्टी ने जो विस्तार देने की बात कही गई थी और उस पर जो घोषणा होने की बात कही गई थी तो उसको टाल दिया है। लेकिन ये जरूर है कि जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी छोटी है, इस बार महासचिवों की संख्या जो है उसको सीमित किया गया है, उपाध्यक्षों की संख्या जो है उसको कम कर दिया गया है, और ओवरऑल जो कमेटी में, जो सेंट्रल कमेटी में जो लोग पिछले बार थे उससे संख्या जो है वो आधी कर दी गई है। लेकिन कौन होंगे कमेटी में, कौन नहीं होंगे, किनका पत्ता कटा है, कौन नए लोग जोड़े गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है अभी पार्टी नेतृत्व के समक्ष ही है। पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उन तक सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं जो जानकारी है, और उनके हरी झंडी के बाद ही पार्टी जो है इसकी औपचारिक घोषणा करेगी। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच फिलहाल इसे टाल दिया गया है और उम्मीद करनी चाहिए कि फिर थोड़ा और वक्त लगेगा, शायद थोड़ा और इंतज़ार करना होगा इन चीज़ों के लिए। राकेश, एक जो चीज देखने को मिलता है कि जो भी सत्ता में जो पार्टी आती है वो संगठन को मजबूत करने की दिशा में बहुत काम करती है। बीजेपी तो विपक्ष में है लेकिन संगठन को मजबूत करने की दिशा में बहुत काम कर रही है, मगर जेएमएम का देखा जा रहा है कि संगठन की जहां बात आती है जरा रवैया सुस्ती नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने वाजिब सवाल पूछा है सारे। सांगठनिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो बीते 2.5 साल में पार्टी की तरफ से कोई बड़ा एक्टिविटीज़ नहीं हुआ, चाहे आप महंगाई के मुद्दे पर बात कर ले, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सड़कों पर संघर्ष करते नजर आई और उनके अंदर में संगठन की मजबूती को लेकर कई तरह के प्रयास, कई तरह के एक्सरसाइजेस किए गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये तमाम चीज़ों को लेकर कोई एक्सरसाइजेस नहीं दिख रहे हैं। सामने पंचायत का चुनाव है, हालांकि दलगत आधार पर नहीं है, बावजूद इसके आपको भी पता है कि तमाम पार्टियों की सहभागिता कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर इस चुनाव में है, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर में कोई चर्चा नहीं हो पा रही है, उसको लेकर भी कोई बैठक नहीं हो पा रही है। पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो राज्य के मुखिया भी हैं हेमंत सोरेन, उनके तरफ से ये जरूर दिशा निर्देश दिया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर से जो एक्टिविटीज होनी चाहिए थी तमाम मसलों को लेकर, राष्ट्रीय स्तर के मसलों को लेकर, महंगाई के मुद्दे पर जिस तरीके से संघर्ष दिखना चाहिए था पार्टी का, वो संघर्ष नहीं दिख पा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार जरूर बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, सरकार चल भी रही है, लेकिन सांगठनिक दृष्टिकोण से अगर हम चीजों को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। शरीफ, इस बात को समझने की जरूरत है राकेश कि संगठन मजबूत होगा तभी बार बार सरकार में बैठने का या सरकार में आने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।